कितनी देर हो गई यहाँ पे खाने आते हो? यानी कि हमारे पैदा होने से भी पहले? पापा की शादी होने से भी पहले। जब पापा की शादी भी नहीं हुई थी पापा, तब से ही हम भी आके खा रहे। तो गाइस शेरिश ने पहले फेस वॉश कर लिया था, अब दोबारा मेकअप कर लिया। ये देखना 2 किलो मेकअप कर लेगी। ये सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। लेंस इसने पहले लगाए हैं। इनका फ्रेश फ्रेश होगा ना जरा। तो ये देखे, ये पता नहीं मस्कारा है ये लगा रही है। ये क्या चीज़ है? ब्लेशन जो कि ये पड़ा हुआ है ना। मुंह को अभी क्या करती, ये ऐसे करेगी। होंड इसके देखे, होंड पे भी सारा बेस लग गया। नहीं मामा को लगाने की कोई जरूरत नहीं, मामा है सिंपल ही ठीक है। क्या 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 हो रहा है ये देखिए। हमने अपना फेस भी वॉश कर लिया है, उसने अपना फेस वॉश करके लेंस उतार के फिर दोबारा तैयार हो। मैं हो भी गई। अच्छा अच्छा जाने कहाँ पे लगी हो बताना, कहाँ पे जा रहे हो? मैं हाँ कनाडा। किधर? कनाडा। वैसे हम तो लाहौर जा रहे हैं भाई। चांद कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर जा रहे हैं। लाहौर के क्या मशहूर है? पटूड़े पार्टी के। पटूड़े और साथ में दाता साहब गुजरेंगे, दाता साहब को सलाम करेंगे बाइक से। तो आते हुए यादगार के वो पुल नहीं होता जो ऐसे पुल चढ़ते हैं, पुल के ऊपर खड़े होके यादगार के पास थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट करेंगे। उसके बाद हम टुड़े खाएंगे, टुड़े खा के हम वापस। ये देखे लिपस्टिक लगाई है, दांतों पे भी लग गई है जो कि इसने साफ कर लिया। अंदर बैठे हुए थे, एकदम से प्लान बना जाने का कि चलते हैं हम लोग कहाँ पे, लाहौर। तब भी लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पर खाएंगे हम लोग पार्टी के टूड़े। टूड़े खाने के लिए स्पेशल लाहौर जा रहे हैं और वापस। और मामा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था टूड़े खाने के। और ये मैं अपना सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले तो आउटिंग का था बर्ड बस, तो ऐसे घूमने गए थे। तो अभी ये लॉन्ग थोड़ी सी आउटिंग पर जा रहे हैं। यहाँ पर खड़ी होगी वेट कर रही मम्मा पापा का, आए तो फिर हम लोग जाएंगे। चलो गाइस, अब लाहौर जाने के लिए सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। पापा भाई बाबर ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये देख लो, दुआ कीजिएगा कि खैरियत से पहुंच जाए वहाँ पे। वैसे अतल कुर्सी पढ़ के निकले हैं, तो ये मैं बैठा हूँ, ये दानिश है साथ में, और ये हमारी कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये मामा बैठी हुई है। क्या भाई बाबर जी, आप सब दुआएं कर लीजिएगा कि हम खरीये से पहुंचे वहां पे। अब आपको लेकिन जब तक उन्होंने लोग देख रहे हैं ना, तब तक हम लोगों ने वापस भी इंशाल्लाह आ जाना। हां इंशाल्लाह, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनकी बाद में दुआ कर देंगे ना, वो आप समझते नहीं ना। दुआ कबूल हो जाए। हां दुआ कबूल हो जाए। तब चलते हैं लाहौर की तरफ। अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं, पेट्रोल डलवाने गाड़ी में डलवाते हैं, तो फिर चलते हैं। चल हम लाहौर के आधे रास्ते में आ गए हैं। तो अब चांद तू देखी, मैं सिर्फ 3 गिनूंगी। वाकई? हाँ वाकई 3 गिनूंगी, तो हम लोग लाहौर में एंटर हो जाएंगे। 1 2 3 आ गया लाहौर। ये देखे गाइस मनारे पाकिस्तान। फिर मेरा जादू कैसा लगा जी? बहुत आला, ऐसे 1 2 3 गिने और हम पहुँच गए लाहौर। ये देखिए आजादगढ़, यादगार में कह रहे हैं पीछे यादगार है, और साथ ही है बादशाह मस्जिद। बादशाह मस्जिद तो वाकई शहरी तुम्हारा जादू तो वाकई कामयाब हो गया। बहुत तेज है भाई है? वो 3 किले हैं, तो 3 किले में लाहौर आ चुके हैं। इधर शोर बहुत ज़्यादा है। वैसे 1 2 3 तो कमाल के किले हैं यार। मनारे पाकिस्तान है और ये बादशाह मस्जिद। इस लाइट की वजह से ना सब कुछ खराब हो रहा है।
सही से नज़र नहीं आ रहा। ये देखे दाता साहब, हम अभी दाता साहब पहुँचे हैं। ये वो शॉप है जिधर से हम भटूरे खाने आए हैं, गुजरावाला से लाहौर स्पेशली। पापड़ भाई बाबर जाके पूछ रहे जगह है कि नहीं है जगह। ये पार्टी के बिल्कुल सामने है भटूरों वाली दुकान, तो चलते हैं अंदर। भटूरे आ चुके हैं जिसके लिए हम लोग गुजरावाला से यहाँ आए हैं। और भाई ये बनते बाबर ऐसे जैसे कुश्ती करने लगे यार गरम गरम है, मुझे भी खाने तो मैं भी अब खाती हूँ तो लोग जरा बाद में ये चेक करो साथ मम्मा भी ये पीछे भी बैठी है हमारे अपराध। अभी खा लिए हैं भटूरे तो भाई बाबर आपने कितने खाए सबसे पूछते हैं। वैसे पता नहीं चला खाए बहुत हैं, पता नहीं चला कितने खाए। दानिश आपने मतलब केक और हाफ, और शेरिश आपने इसने पूरे तीन खाए हैं, मैंने खुद गिने हैं। आगे इधर फैमिली पे बैठी हुई थी इसलिए हम इस जगह पे जाके बैठ गए। अभी इधर से फैमिली जा चुकी है इसलिए वो लोग कंटिन्यू की है। कितने खाए हैं शेरिश ने? तीन आए थे हमारे पास और जिसमें से मैंने और दानिश ने खाया है, एक आधा दानिश ने एक आधा मैंने, एक और आधा। और मामा आपने? मम्मा ने माशाल्लाह से तीन और बाबा ने माशाल्लाह से तीन, पापा ने भी तीन और गाइस मैंने भी तीन ही भटूरे खाए हैं क्योंकि ये जो भटूरे होते हैं ये बहुत मजे के होते हैं। हम गुजरावाला से स्पेशल खाने आए थे। पापा कितनी देर हो गई यहाँ पे खाने आते हैं? यानी कि हमारे पैदा होने से भी पहले, पापा की शादी होने से भी पहले। जब पापा की शादी भी नहीं हुई थी पापा तब से ही हम भी आके खा रहे। मामा आप मैं कितनी देर हो गई है? मुझे तकरीबन दो साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, पौने दो साल या दो साल देर हो गई है। वहाँ गुजरा वाला भी इस तरह के मिलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे मिलते हैं, यहाँ बड़े बड़े मिलते हैं, बड़े बड़े। हमें तो हम ये जो तीनों बच्चे हैं ना हमें 10 साल हो चुके हैं, 10 साल है ना, 10 साल। हम रवानगी का मुजाहरा करते हैं मतलब अब भटूरे वगैरह हम लोगों ने खा लिए तो हम जाने की कोशिश करते हैं, उठाने जाना भी चाहिए बन गया जाने। इतने खा लिए तीन भटूरे क्या इसने खा लिए तो बस हो गया, जो इतना बोलो नहीं। चलो आप उठो चले गाइस, ये शॉप है तो गाइज अब हम जा रहे हैं वापिस। अब घर मूला कर लिया, अब तो जाना बनता है। अब तो वो भी कह रहे थे वो भाई गुजरावाला से आए उठ के चले जाओ थोड़ी मेहरबानी। वो पापा खड़े हुए हैं क्योंकि पापा को ये सब जानते हैं, पापा काफ़ी देर से आ रहे हैं तो अब सर्दी लग रही है बोतल पी के लग रही है। मैं इस बात पे हैरान हूँ तो उन्होंने हमें हाथ जोड़ के भाई बोला जाओ कह रहे गुजरावाला बोले खाते बहुत। अभी अभी भाई 2 घंटे पहले हम खाना खा के आए थे पेट भर के, बात सुनो 2 घंटे पहले खाना खा के आया घर में पेट भर के और अब फिर इधर पेट भर के खाना खाया तो ये हम गुजरावाला गया इसलिए वो कह रहे हैं भाई बहुत खा। तो गाइस अब चलते हैं घर, बस गुजरावाला से इधर भटूरे खाने आए थे। जब हम बोर होते हैं तो हम भटूरे खाने आ जाते हैं माइंड फ्रेश करके तो फिर हम घर चल जाते हैं। मिलते हैं गाइस बाद में। ये देखे इधर किसी की शादी है और ये बारात जा रही है, बोल हो ये बारात जा रही है बग्गी चलती है। ये देखे ये बग्गी वापसी का सफर हो रहा है गुजरावाले का। जैसे चाय पीने आए हैं रास्ते से वो करिए कार
तो रास्ते से चाय पी लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, अभी निकले थे। गाइस ये चाय आ गई है, पापा ऑर्डर दे के आए थे, जो खुशबू तो अच्छी है। ये सबकी एक एक बहुत तेज़ और कड़क चाय पापा ने स्पेशल कहा था। ये लीजिए दानिश पकड़ो भाई। तो ये देखे गाइस पेंटिंग, पहले ज़माने में ऐसे कैमल चलते थे, कैमल के ऊपर डेरी और ये देखे, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसी जगह पे मैं जा भी चुका हूँ एक दफा, और साथ में ये देखिए वो जुए निकाल रही है, वो बाबा बैठा हुआ है, ये जुए को निकाल रही है, लस्सी बना रही, वो देखो वो गूंथनी कर रही है उसकी। अच्छा ये जुए निकाल रही है। हाँ, और वो पीछे देखो वो चारपाई पे बैठ के क्या कर रही है, पीछे वो रोटियां बना रही है, क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। हाँ, और ये लस्सी बना रही है, और नलका भी लगा हुआ है। किस चीज की कमी है इस तस्वीर में गाइस बताएं कमेंट में, एक बहुत अल्लाह किस्म की बड़ी चीज है, उसकी कमी है इस तस्वीर में, वो बताएं कमेंट में कौन सी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज थी। तो गाइस अभी घर आ चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है घर आए को, तो आते साथ ही गेम खेल रहे भाई बाबर और शेरिश लूडो। तो अभी टाइम मेरा ख्याल है कि 2 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं भी, और सब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा अभी टाइम हो गया 3:18, तो अभी फिर से जो भटूरे खाए थे वो हो चुके हैं हज़म, तो अब खाना खाने लग गया, जिसमें मामा ने अभी तली है मछली, सिर्फ मछली है साथ में, कोई रोटी नहीं है, मछली खानी है। कैचअप भी आ गई है, मायोनीस भी आ गई है, कोका कोला भी आ गया है, बोतल कोका कोला की, साथ में दही भी आ गया है, सब कुछ आ गया। और हनी की ये फीड भी पड़ी है, हनी को पहले फीड देनी है और फिर खानी है मछली। और पापा ने जिस दिन हमने ऊपर पिंजरा, सारे तोते नीचे से ऊपर किए थे, उस दिन पापा ने चिंटू को बड़ा वाला पिंजरा दे दिया और चिंटू को अंदर रख दिया हनी के साथ। हनी अपने पार जोन से उतारता था, वो रुक गया बस पार उतारने, लेकिन अभी भी उतारता है। तो गाइस ये मैंने मछली रख लिया साथ में, मायोनीस केचप और दही, अब सब खा रहे हैं। मामा भी, शेरिश की तबीयत ख़राब है इसलिए खा नहीं रही, या पता नहीं किस वजह से खा नहीं रही। और हनी ने भी अपना खाना खा लिया, ये मुंह साफ़ करता हुआ नज़र आ रहा है। दानिश भी खा रहा है, और ये मेरी पतंग जो उनसे मैंने बनाई थी। तो गाइज़ आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही, आज 2 व्लॉग बनाए हैं तो थक चुका हूँ, तो बस आज का व्लॉग यहाँ तक ही। आई होप आप सबको आएगा पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आप सब लोग दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब लोग सो गया, पापा और मामा बस जाग रहे हैं, बाकी सब लोग सो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए प्लीज़ बाय, अल्लाह हाफिज़।